औरतें बहुत चालाक होती जा रही है। कल मैंने अपनी साली से मजाक में कहा, साली तो आधी घरवाली होती है, अब कमबख्त आधी सैलरी मांग रही है, ऐसा कोई करता है क्या? पत्नी, मेरे दोनों छोटी बहनें आ रही हैं। पति खुश होकर, अरे डार्लिंग, तुम्हारे रिश्तेदार मतलब मेरे रिश्तेदार, पक्का टाइम से आ जाऊंगा। एक लड़के की नई नई शादी हुई, पहली बार ससुराल गया। साली से बोला, आपके गांव में सबसे मशहूर चीज क्या है? साली, एक ही चीज मशहूर थी, वो भी आप ले गए। जीजा अपनी साली के साथ चैटिंग करते हुए, जीजा वाह, तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत हो। साली, जीजू आप बड़े वो हो। जीजा, अच्छा ये बताओ तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो, आखिर क्या इस्तेमाल करती हो? साली, फोटोशॉप और कैमरा फिल्टर। जीजा बेहोश। प्रेमिका ने प्रेमी से कहा, अपनी शादी के लिए तुम माँ से मिलकर देखो। प्रेमी बोला, नहीं डियर, अब तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा मेरे मन में नहीं बस सकता। एक लड़का लड़की को देखकर बोलता है, लड़का क्या माल लग रही हो? लड़की, माल तो हूँ मैं, पर तेरे जीजू की। जीजा, तुम लड़कियाँ इतनी खूबसूरत क्यों होती है? साली, क्योंकि भगवान ने हमें अपने हाथों से बनाया है। जीजा, बोले तो ऐसे रही हो जैसे हमें मजदूरों के ठेके पर दे दिया था। साली, अच्छा जीजू ये बताओ प्यार कब होता है? जीजा, जब राहु केतु और शनि की दशा खराब होती है, आपका मंगल कमजोर हो और भगवान आपके मजे लेने के मूड में हो। जीजा, अरे साली साहिबा, एक सवाल का जवाब बताओ, यदि लड़कियां पराये धन है तो लड़के क्या हुए? साली, एक नंबर के चोर जो हमेशा पराये धन पर अपनी नजरें टिकाए रहते हैं। जीजा, जिस व्यक्ति से आपकी बहन की शादी होती है उसको आप जीजा कहते हैं, और ज्यादातर नोक झोंक जीजा और साली के बीच में ही रहती है। साली, आपकी बहू की बहन साली ही होती है जो अपने जीजा के साथ मजाक कर सकती है और उसे हक भी होता है। जूता छुपाई के रस्म के वक्त दूल्हे की एक साली ने कहा, मैं तो 1100 लूंगी। दूसरी साली बोली, मैं तो 2100 लूंगी। पीछे से एक सरदार बोला, 2130 ले लो, उसमें FM भी है। साली जीजा से, जीजा जी 500 रुपये दे दो, कल दे दूंगी। जीजा, 1000 रुपया ले ले, पर आज ही दे दे। साली जीजा से, क्या कर रहे हो? जीजा, मक्खियां मार रहा हूँ। साली, कितनी मारी? जीजा, 3 male और 2 female। साली, कैसे मालूम? जीजा, 3 शराब की बोतलों से चिपकी हुई थी और 2 फोन से। साली जीजा से, जीजू जीजू आपने सोचा कि लोफर और ऑफर में क्या अंतर है? रोमियो। जीजा, देखो साली साहिबा, अगर आप मुझे प्यार करने को बोलोगे तो ऑफर कहलाएगा, और मैं कहूँ तो आप मुझे लोफर कहोगी। छोटी बहन बड़ी बहन से, क्यों? जीजा जी, तू तो कहती थी कि जीजा जी बड़े कंजूस है, फिर इतनी शॉपिंग कैसे करती हो? बड़ी बहन, जैसे ही मैं उनसे मायके जाने की जिद करने लगती हूँ, वो झटपट ट्रेन का किराया और खर्चे के रुपये मेरे हाथ में थमा देते हैं, बस फिर मैं शॉपिंग करती हूँ। जीजा साली आपस में बात कर रहे थे, तभी जीजा ने साली से कहा, मैं क्या आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? साली, क्यों नहीं जीजा जी। जीजा, भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? साली, जीजा जी ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। जीजा जी, कैसे? साली जी, पत्नी चिल्लाकर बोली, आज शाम को जल्द घर आ जाना। पति, क्यों, कुछ खास है क्या? पत्नी, मायके से रिश्तेदार आ रहे हैं। पति, मेरा दिमाग मत खाओ, मैं बिजी हूँ, कौन कौन आ रहा है? No. साली जीजा जी, आप अगले जन्म में क्या बनोगे? जीजा जी, मैं तो चूहा बनूंगा। साली, चूहा क्यों बनना चाहोगे? जीजा जी, क्योंकि तेरी बहन सिर्फ चूहों से डरती है। आज का महाज्ञान, अगर पत्नी घर की लक्ष्मी है तो गर्लफ्रेंड काला धन है।
पति पत्नी पार्टी में जाते हैं और पत्नी आज तो स्टेज पर आग लगा देंगे। पति, अरे मैं माचिस लाना भूल गया। पत्नी, अरे मैं डांस की बात कर रही हूँ। पत्नी, हाँ लेकिन तुम्हारे डांस करने पर लोग स्टेज को ही आग लगा देंगे। पत्नी, सुनिए लेडीज क्लब में आज घर से किसी एक फालतू चीज लाने को कहा है। पति, अच्छा तुम कुछ ले जा रही हो। पत्नी, हाँ आप चलेंगे ना मेरे साथ। पत्नी, आज ही सुनते हो आपका दोस्त एक पागल लड़की से शादी करने जा रहा है, उसे रोकते क्यों नहीं? पति, क्यों रोकूं? उसने मुझे रोका था क्या? पति पत्नी को मूवी दिखाने जा रहा था। काफी देर से पति घर के बाहर इंतजार कर रहा था। पति चिल्लाते हुए, अरे अभी और कितनी टाइम लगाओगी? पत्नी गुस्से में, चिल्ला क्यों रहे हो? एक घंटे से कह रही हूँ कि 5 मिनट में आ रही हूँ, समझ में नहीं आता? पत्नी, आप बहुत भोले हो, आपको कोई भी बेवकूफ बना देता है। पति, शुरुआत तो तेरे बाप ने की थी। पत्नी ने सुबह सुबह पति को उठाया। पत्नी, सुनो जी मैंने सपना देखा कि आप मेरे लिए हीरो का हार लेकर आए हो। पति, तो फिर से एक बार सो जाओ और सपने में ही हार पहन भी लो। पति पत्नी से, जरा पानी पिला दो। पत्नी, क्या हुआ, प्यास लगी है? पति गुस्से में, नहीं गला चेक करना है कि कहीं से लीक तो नहीं हो रहा। पत्नी, जब मैं शादी करके यहाँ आई थी घर में बहुत मच्छर थे। पति, हमारे शादी होने के बाद मच्छरों ने यह कहकर मेरा घर छोड़ दिया, अब तो परमानेंट खून पीने वाली आ गई है, हमारे लिए तो बचेगा ही नहीं। पति, कहाँ गायब थे 4 घंटे से? पत्नी, मॉल में गई थी शॉपिंग करने। पति, फिर क्या क्या लिया? पत्नी, एक हेयर बैंड और साथ में 40 सेल्फी। कुछ रिसर्च के बाद पता चला है कि महिलाएं अपने बच्चे को तेज आवाज में इसलिए डांटती है क्योंकि पतियों पे खौफ बना रहे। पति ने ऑफिस में बैठे बैठे फेसबुक पर पोस्ट किया, पंछी बना उड़ता फिरू मस्त गगन में। तभी पत्नी का कमेंट आया, धरती छूते ही सब्जी ले आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचेंगे तुम्हारे चवन में। पत्नी, आज ही सुनते हो, ऊपर से यह बैग उतार देना, मेरे हाथ में कुछ छोटा पड़ा है। पति, तो जुबान से ट्राई कर लो। पति आईसीयू में। हर चीज इंसान को कभी खुश नहीं रख सकती, कार मोबाइल टीवी और बीवी, क्योंकि अक्सर इनके लेटेस्ट आते रहते हैं। पति, ये क्या तुम एक और सूट ले आए? अभी परसों ही तो। पत्नी, क्या कहा तुमने? बोलो, अभी चुप क्यों हो गए? डॉक्टर ने औरत के मुंह में थर्मामीटर रखा और कुछ देर मुंह बंद रखने को कहा। पत्नी को खामोश देखकर पति से रहा नहीं गया और पूछ लिया, डॉक्टर साहब यह चीज कितने की आती है? भारतीय पत्नी संस्कारों वाली होती है, वो कभी सबके सामने अपने पति को अबे गधा ओए गधा सुन गधे नहीं बुलाती, शॉर्ट्स में ए जी ओ जी सुनो जी। सच्चे प्यार की निशानी, आज पुरानी गर्लफ्रेंड रास्ते में जाते हुए मिल गई, उसने बच्चों से चाचा कहलाया मामा नहीं, यही तो होता है सच्चा प्यार। जब शादीशुदा आदमी कहे कि वो सोचकर बताएंगे, तो इसका सीधा साधा मतलब है वो अपनी पत्नी से पूछकर बताएंगे। ज्यादातर पत्नी अपने हस्बैंड की बहन को प्यार से नहीं देखती, जबकि सारे हस्बैंड अपने वाइफ की बहन को प्यार से ही देखते हैं। हस्बैंड वाइफ महान होते हैं, बस कभी अपनी महानता, ये बात अलग है कि हस्बैंड इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटता। पति को बाजार जाते हुए देख पत्नी ने पैसे देकर कहा, कुछ ऐसी चीज लाना जिससे मैं सुंदर दिखूं। पति खुद के लिए विस्की की 2 बोतल ले आया।
मुझे किसी ने सलाह दी कि बीबी से बहस में नहीं जीता जा सकता, इसलिए बस मुस्कुरा दिया करो। मैंने भी कोशिश की। बीबी बहुत हंसी आ रही है आजकल तुम्हें, लगता है तुम्हारा भूत उतारना ही पड़ेगा। पत्नी आजी सुनते हो, अगर मैं वक्त होते ही तो लोग मेरी कितनी कदर करते। पति लोग तुम्हें देखकर डर जाते। पत्नी डर क्यों जाते? पति लोग कहते देखो बुरा वक्त आ रहा है। पत्नी तुमने पड़ोसन को हग क्यों किया? पति तुम ही तो कहती हो अपनी फ्रेंड से माय हस्बैंड इज लाइक माय बॉडी। पत्नी तो? पति तो क्या बॉडी हूँ, मैंने बच्चा और बच्चे तो जमाने में आए करते थे, बस फिर क्या, कूट कूट के मारा बेचारे बॉडी को। पत्नी मैं आपके लिए दुनिया की कोई भी जगह जा सकती हूँ। पति तो फिर मैं एक वादा करो कि कभी वापस नहीं आओगी। दोस्तों आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।